कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बड़ी से बड़ी बाधा प्रतिभावान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया रायबरेली के एक लाल ने, जिसे सुनकर आप भी उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा जरूर करेंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र के अजीतगंज गांव के एक युवक ने अपनी प्रतिभा के दम पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण खेल महाकुंभ में स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिवार के साथ ही पूरे यूपी का नाम रोशन किया है। वहीं वह इस खेल महाकुंभ में अपना जलवा बिखेरने के सात समंदर पार इंग्लैंड में अपनी हुनर से सभी को रूबरू कराएंगे। आपको बताते चलें कि रायबरेली जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराजगंज तहसील क्षेत्र के अजीजगंज गांव रहने वाले माता प्रसाद मौर्य के छोटे बेटे योगेश मौर्य ने 8 वर्ष की आयु से ही खेल में काफी गहरी रुचि थी, जिससे उसने पढ़ाई के साथ ही खेल प्रतियोगिताओं में शुरुआत से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। योगेश बताते हैं कि उन्होंने कई बार जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया, जिससे वह दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद जनवरी 2023 में मथुरा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 100 मीटर दौड़ व 60 फुट। योगेश जी, अभी आपने हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण खेल महाकुंभ में 2 पदक जीते हैं, गोल्ड और सिल्वर, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और एक कैसा सफर रहा? इस सफर में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे गुरुजनों का बहुत ही सहयोग रहा। और हम इसकी शुरुआत आपने कहां से की थी? हम कक्षा 3 से ही दौड़ना स्टार्ट कर दिए थे और काफ़ी मेहनत करते थे, फिर भी लेकिन हमारा सेकेंडरी पोजीशन आता था, इसलिए मैंने दो साल के लिए थोड़ा रेस्ट करना चाहा और फिर मैंने 9th से फिर स्टार्ट कर दिया। और 9th से स्टार्ट करने के बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया तो मेरा वहाँ 100 मीटर की टाइमिंग 12 सेकंड आती थी और वही कम करने के लिए मैं फिर आप खेलों में रुचि आपकी रही, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कभी आपके पिताजी ने या घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि मतलब आप खेल खेल रहे हो, पढ़ाई करो, ऐसा कहीं कभी दबाव तो नहीं रहा? नहीं, हमारे माता पिता का कोई दबाव नहीं था, हमारे पिता का स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा क्योंकि हमारे पिताजी का बहुत ही सहयोग रहा क्योंकि हमारा स्पोर्ट में इतना लगाव हो गया, इसलिए हमारे पिताजी ने पूरा सहयोग किया। और हम एक बार नेशनल खेलने के लिए मथुरा भी गए थे, वहाँ गोल्ड फर्स्ट स्थान आया और जाना था मुझे नेपाल खेलने जाना था, लेकिन कुछ बोलो काफ़ी मतलब मैं काफ़ी गरीब परिवार से हूँ, इसलिए पैसों का कुछ सपोर्ट नहीं हो पाता है। और अब मैं यहाँ दिल्ली में गए, इसलिए मैं नेपाल नहीं जा पाया था और अब की होने वाली दिल्ली में होने वाली नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने प्रतिभाग किया था तो वहाँ भी नेशनल थी और वहाँ भी मैं गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता हूँ। और अब मेरा नाम आ गया है, जाना है अब मुझे इंग्लैंड खेलने के लिए, इंटरनेशनल जाना है। क्षेत्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के युवाओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि खेल के प्रति रुचि रखें और अपने देश भारत देश के लिए कुछ देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने लाने का प्रयास करें, इससे हमारे देश और माता पिता का भी नाम रोशन होगा। अच्छा, यहाँ पर आप कहाँ रनिंग करते थे, स्टेडियम में करते थे या कहाँ करते थे? नहीं, हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं, हम रोड ही रनिंग करते हैं, इसीलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्षेत्र में एक स्टेडियम तो ज़रूर होना चाहिए, ये लोग प्रैक्टिस कर सकें, देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकें। किन खेलों में आपने पदक जीता है? ये गोल्ड मैंने 100 मीटर के इवेंट में जीता है जो मेरी टाइमिंग 11 सेकंड आई है, और ये जो सिल्वर है ये हमने लॉन्ग जंप में जीता है। क्या परिचय है आपका? हमारा परिचय है माता प्रसाद मौर्य, ग्राम अजीजगंज, बाउंड बुजुर्ग बल्ला। आपके बेटे योगेश ने राष्ट्रीय खेल ग्रामीण महाकुंभ में गोल्ड मेडल जीता है, इससे किस कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस किया, हमें खुशी हुई, मतलब सुन के हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आपके बच्चे ने गोल्ड जीता है, इसके लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा, कैसे आपने तैयारी कराई बच्चे की?
तैयारी किया। जब इनको पढ़ाई में पहले रुचि करवाते थे, लेकिन पढ़ाई न करते हुए ये इसमें आ गए। इनका रुझान कक्षा 3 ही से खेल में था जी। तो इनको हम दोनों चीज़ का बताते हैं कि मतलब टाइम कुछ निकालो, मतलब हम मना नहीं कर रहे हैं कि खेल मत खेलो, लेकिन पढ़ाई साथ साथ पढ़ाई को देखते हुए। तो ये कक्षा 3 ही से अपना इसमें जुट गए। यहाँ तैयारी ग्रामीण अंचल में, गांव में रहके, घर पे रहके तैयार। ये कच्चा चकरोट है और जंगल है, इन्हीं जंगलों में और एक कच्चे चकरोट में अपन रेस पूरी करते थे किसी तरह। कई बार कांटा भी चुभ गया पैर में, कई बार चुभा, एक बार कांच लग गया था, पैर फट गया था। क्या सरकार से आपकी क्या मांग? सरकार से मांग की कहीं पे मतलब एक ग्राउंड बना दिया जाए खेल का। तो मतलब ये तो निकल तो कर ही रहे हैं अभ्यास, लेकिन कुछ बच्चे और हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी।